तो नमस्कार, ज्ञान गरिमा में आपका हार्दिक स्वागत है। किस राज्य सरकार ने करोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल में ही करोना वॉच ऐप कर्नाटक सरकार ने राज्य किया, जिसका सही उत्तर है कर्नाटक सरकार। यह ऐप के जरिए संक्रमित व्यक्ति के मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, साथ ही करोना वायरस के फैलने ने की सावधानी बरतने के बारे में जानकारी देगा। करोना वायरस ऐप में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में अस्पतालों की सूची भी जारी किया है। और यहाँ के दोस्तों, कर्नाटक का नाम आया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा है और गवर्नर है वाजुभाई वाला है। किसने भारत को COVID-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन देने का पेशकश किया है? हाल में ही विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक COVID-19 को निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। विश्व बैंक में दिए गए $1 बिलियन 4 वर्षीय परियोजना को चलाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में महामारी के समय स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने में कार्य करेगा। और जो कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों 1945 में हुआ है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन शहर में है और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ COVID-19 नामक संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में क्या किया गया है? ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक द टाइम ऑफ COVID-19 नामक रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में लगभग 1 मिलियन कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, गरीबी से प्रभावित होंगे, हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है दोस्तों, जो कि सही उत्तर है विश्व बैंक। सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंधक कौन हैं? सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंधक लक्ष्मी नारायण दुरई स्वामी जी हैं। लक्ष्मी नारायण दुरई स्वामी की नियुक्ति श्रीनिवास आचार्य के जगह की गई है। और ये जो सुंदरम होम फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस कंपनी वित्तीय कंपनी है। सुंदरम होम फाइनेंस की 600 से अधिक शाखाएं हैं और सुंदरम होम फाइनेंस की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई शहर में है। इसके अध्यक्ष श्रीनिवास राघवन हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड में ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर है 2 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस प्रत्येक दो वर्ष में मनाया जाता है और यह इसकी शुरुआत 2008 से हुई। यह ऑटिज्म एक प्रकार का रोग है, इसे लड़ने के लिए प्रोत्साहन और निदान के लिए प्रोत्साहन किया जाता है दोस्तों। कोरोना वायरस के चलते विव लंदन 2020 हाल में ही रद्द हुआ, यह कौन सा खेल की प्रतियोगिता थी? कोरोना वायरस चलते विव लंदन 2020 हाल में ही टेनिस खेल की प्रतियोगिता रद्द की गई। कोरोना वायरस के चलते विंबलडन में 2020 में हाल में ही रद्द कर दिया। कोरोना वायरस की महामारी के चलते यह पहली बार हुआ, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार हुआ कि यह टेनिस मैच रद्द कर दिया गया। यह होने वाला था 29 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच आयोजित किया जाने वाला था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए स्टड इंडिया पोर्टल शुरू किया? केंद्रीय मंत्रालय लॉकडाउन के बीच विदेशी पर्यटकों को COVID-19 से बचने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पोर्टल शुरू किया है।
पोर्टल के अंतर्गत कोविड-19 में लॉकडाउन में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत सरकार या विदेशी सरकार द्वारा घर ले जाने के लिए उनके उपाय के बारे में जानकारी ले सकता है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय प्रहलाद सिंह जी हैं कि शहर की पुलिस 1 अप्रैल 2020 से कोरोना वायरस से जुड़े फ्रेंच और जोक पर पूरी तरह रोक लगा दिए। शहर मुंबई शहर की पुलिस 1 अप्रैल 2020 से कोरोना वायरस से फैक्स और जोक से पूरी तरह बैन लगा दिया है, जो कि पुणे पुलिस है, जो कि महाराष्ट्र पुणे शहर में स्थित है, और इसका उल्लंघन करने वाले को धारा 188 IPC के तहत 6 महीने की सज़ा और 1,000 जुर्माना है। और जहाँ की महाराष्ट्र का नाम आया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। 1977 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले फिलिप वारेन एडरसन का निधन हो गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले फिलिप वारेन एडरसन का ये भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में थे। फिलिप वारेन एडरसन 1977 में चुंबकीय विकार प्रणाली में मूलभूत रूप से योगदान देने में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेट जगत के डाकर्थल लुईस का नियम देने वाले किस गणितज्ञ का हाल में ही निधन हो गया है? डाकर्थल लुईस को नियम देने वाले गणितज्ञ टोनी लुईस का हाल में ही निधन हुआ। वे 76 वर्ष के थे। टोनी लुईस अपने कैफ डकवर्थ के साथ मिलकर मौसम के साथ क्रिकेट में बाधित मौसम के साथ बरसात में क्रिकेट बाधित मैच को 1992 में डकवर्थ और फर्नल्ड फार्मूला से तैयार किया और इस फार्मूले से जब कभी भी बारिश हो जाती तो इस नियम को लगाकर टीम को किसी एक को विजेता घोषित कर देते हैं। धन्यवाद।